हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अवधेश कुमार और आज आपको हम बताएंगे लीवर के बारे में। हमको पता है हमारी बॉडी में लीवर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत अहम रोल निभाता है। जो हमारा लीवर होता है लगभग 200 से 250 काम अकेले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लीवर। तो आज हम स्टडी करेंगे लीवर के बारे में। हमको पता है बायोलॉजी की वह ब्रांच जहां हम लीवर के स्टडी करते हैं उसे हिपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर बायोलॉजी की वह ब्रांच जहां हम लीवर के स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी कहते हैं उसे। हमने उस दिन आपको बताया था जब हमने अपना स्टोमक वाला अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो आपको बताया था कि हमारे डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं। ये भी डाइजेशन में डायरेक्ट तो लीवर कोई भाग नहीं लेता, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है। मैंने उस दिन बताया था मेजर ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। तो लीवर और गॉल ब्लैडर ये एसेसरी ऑर्गन थे हमारे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है हमारा लीवर। लीवर जो हमारी बॉडी में होता है उसका वेट अप्रोक्स या एवरेज 1.5 किलो होता है। ये हैवीएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में लंग्स, किडनी, बहुत सारे ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वजन, सबसे ज्यादा जिसका वेट होता है वो लीवर है। इसका वेट लगभग 1.5 किलो होता है। इसका वेट होता है लगभग 1.5 किलो, 1.5 kg। ये फीमेल में थोड़ा सा कम होता है और मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां फीमेल में सारे ऑर्गन छोटे होते हैं थोड़ा थोड़ा सा उनके वेट के हिसाब से, तो थोड़ा लीवर भी छोटा होता है। फीमेल्स में होता है, अगर हम फीमेल्स की बात करें, इन फीमेल, तो ये 1200 से 1400 ग्राम का होता है। और अगर मेल में बात करें तो ये 1400 से 1600 ग्राम का होता है। और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके 20 और 22 में फंक्शंस होते हैं। इसका अगर कलर देखें तो रेडिश ब्राउन कलर का लीवर होता है। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। लीवर का हमारे रेडिश ब्राउन कलर का लीवर होता है, लेकिन ये अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और अगर कोई अल्कोहल पीता है, कोई दारू पीता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एंड देन ये मेन फंक्शन लीवर का होता है बाइल सिक्रीट करना, बाइल जूस सिक्रीट कराता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। हमने उस दिन आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था कि पहले हमारे जब हम खाना खाते हैं तो खाना जाता है माउथ में, माउथ से खाना जाता है एसोफेगस में, एसोफेगस से फूड जाता है स्टमक में, स्टमक में इसमें स्टमक से जाता है छोटी आंत में, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ड्यूओडेनम, जेजुनम, और एक होता है इलियम। हमारी छोटी आंख के 3 पार्ट होते हैं, तो होता है ड्यूडिनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो हमारा जो ड्यूडिनम होता है ये सबसे ऊपर पार्ट, छोटी आंख का सबसे ऊपर का पार्ट होता है ड्यूडिनम। तो जो हमारा लीवर होता है ये ड्यूडिनम से ड्यूडिनम से अटैच रहता है। तो एक लीवर की एक डक्ट आके ड्यूडिनम से अटैच रहती है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे।
ये हमारी डक्ट है जो ड्यूडेनम से आके अटैच है, हमारा ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से आके अटैच होती है। तो लीवर जो बाइल सेक्रीशन करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, वो आके सीधे ड्यूडेनम में छोड़ देता है। और जो ज्यादा सेक्रीशन जब हो जाता है, जब ज्यादा सेक्रीशन करता है हमारा लीवर बाइल जूस का, तो उसको गॉलब्लैडर द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। जो पहले तो उसमें छोड़ा जाता है, फिर भी बच गया तो गॉलब्लैडर द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। गॉलब्लैडर और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी अपना कोई जूस सिक्रेट करके इसमें छोड़ती होती, कोई हार्मोन अपना छोड़ती होगी डाइजेशन कराने के लिए। तो जो हमने पहले बताया कि लीवर इज अ हैवीस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हैवी ऑर्गन होता है, 1.5 किलो होता है। लार्जेस्ट मैंने नहीं कहा है, क्योंकि लार्जेस्ट हमारी स्किन होती है, जो हमारी स्किन है सबसे लार्जेस्ट होती है, और जो हमारा लीवर है ये हैवीस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। और लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो आप कहोगे कि ये ग्लैंड कैसे होगी साहब, अभी तो आपने बताया था यार्गन होता है, अब आपने ग्लैंड बता दिया। तो ग्लैंड का हम डिफिनेशन बताते हैं, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, कोई भी अगर केमिकल सिक्रीशन करे, केमिकल सिक्रीट करे, केमिकल में आता है एंजाइम, केमिकल में आता है जूस, हार्मोन और एंजाइम्स, अगर ये तीनों कोई भी ऑर्गन सिक्रेशन करता है तो उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। और लीवर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो लीवर होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें ये सिर्फ एंजाइम और जूस का सिक्रेशन करते हैं, जूस और एंजाइम ये बाइल का सिक्रेशन करते हैं और एंजाइम का सिक्रेशन करता है लीवर, तो इसलिए इसको मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो सिर्फ जूस और एंजाइम सिक्रेशन करती हैं, सिक्रेट करती हैं, वो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, और बहुत सारी हमारे अंदर होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन सबसे बड़ा हमारा लीवर होता है। इसका वेट, एवरेज वेट इसका 1.5 किलोग्राम का होता है। अब इसको, इसका काम बाइल सेक्रेशन कराना, बाइल गॉलब्लैडर में स्टोर हुआ, उसके बाद ये सीधे ड्यूडेनम में छोड़ दिया गया। देन लीवर हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिजनरेशन, जो हमारा लीवर है हाईएस्ट रिजनरेशन कैपेसिटी होती है इसके पास। अगर हमारा लीवर, अगर हम किसी को लीवर दान करते हैं, लीवर अगर हम किसी को डोनेट कर दें, मीन्स दो टू बाई थर्ड पार्ट अगर इसका किसी को हम डोनेट कर दें, मीन्स 65% भी अपना लीवर हम किसी को डोनेट कर दें, तो भी ये अपने में रिजनरेट हो जाता है। इसकी सेल हाई रिजनरेशन क्षमता रखती है, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है इनकी सेल्स के पास। तो जिसके पास लीवर नहीं है, अगर हम डोनेट कर दें अपना लीवर, तो उसको अगर हम अपना 65% भाग या 2/3% भाग लीवर का किसी को डोनेट कर दें, तो उसके में भी रिजनरेट हो जाएगा, पूरा लीवर बन जाएगा, और हमारे में 10 से 12 दिन में ये पूरा रिजनरेट हो जाएगा, लीवर फिर से बन जाएगा। तो लीवर के हम बहुत सारे काम आपको बताएंगे। एक तो लीवर के काम, इसको स्टोर हाउस भी कहा जाता है, ये हमारी बॉडी का स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस उसे बोलते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर की जाती हैं, उसे स्टोर हाउस बोलते हैं। और अगर हम एल्कोहल पीते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है, ये जो है खराब हो जाता है हमारा लीवर। जो हमारा लीवर होता है ये बाइल सिक्रीशन करता है, बाइल हमारा ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर के होने की वजह उसके पीछे पिगमेंट होते हैं। जो हमारा लीवर होता है इसमें दो पिगमेंट होते हैं जो हमारे बाइल को ग्रीन करते हैं।
और दो पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो पिगमेंट होता है इसमें बाइलरूबिन, एक तो होता है बाइलरूबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। दो पिगमेंट होते हैं, एक होता है बाइल बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन होता है वो येलो कलर पिगमेंट देता है और जो बिलीवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर का। जो बिलीवर्डिन होता है इसकी वजह से बाइल का रंग हरा होता है और जो बिलीरुबिन होता है ये हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसका कलर देता है ये पीले रंग का या येलो कलर का होता है। तो सपोज देन कि हमारा लीवर कभी खराब हो जाए, अगर हमारा लीवर खराब हो जाएगा तो हमारा बिलीरुबिन बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में बनेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा। तो जो बिलीरुबिन ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो हमारी स्किन पे, हमारे नेल्स पे आके जमा हो जाएगा बिलीरुबिन और हमारी आईज पे जमा, आंखों पे जमा हो जाएगा, जिससे हमारी आंखें येलो, जब येलो कलर ही देता है वो पिगमेंट तो येलो हो जाएगी। तो इसी बीमारी को बोलते हैं हम जॉइंटिस या पीलिया बोलते हैं। जो जॉइंटिस होती है लीवर खराब होने की वजह से होती है। जो बिलीरुबिन प्रोडक्ट, बिलीरुबिन पिगमेंट होता है ये ज्यादा अमाउंट में बना देता है लीवर, जिससे हमारी स्किन का कलर और हमारी आईज का कलर और हमारे नेल्स का कलर येलोइश हो जाता है और इसी को कहते हैं हम पीलिया हो गई। तो लीवर को सही करने के लिए डॉक्टर हमको बताते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको बताते हैं कि आपको शुगर केन का रस, गन्ने का जूस और पपीता खाना चाहिए, जिससे हमारा लीवर सही होगा, तो ये पिगमेंट कम बनेगा और हमारे जॉइंटिस हम ठीक हो जाएंगे। और ये जो जो हमारा बाइल है उसका काम क्या होता है, हम अगर कोई भी खाना खाते हैं तो खाना हमारे लार्ज पार्टिकल में, जो हम तेल खाते हैं, घी खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, जो भी खाते हैं वो लार्ज पार्टिकल में आता है और उसका लार्ज पार्टिकल को हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सेल्स ही हमारी इतनी छोटी हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो लार्ज पार्टिकल को कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको छोटा करने के लिए ये हमारा लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है और बाइल जूस का सिक्रेशन होकर ड्यूडेनम में आता है। जब हमारा ड्यूडेनम में खाना आता है उसके साथ बाइल जूस भी छोड़ देता है। तो ये छोटा छोटे बड़े बड़े पार्टिकल को, बड़े बड़े फैट के पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल ड्रॉपलेट में चेंज करता है, तब जाके हमारी सेल्स उसको यूज कर पाती हैं। जैसे कोई जो हमारा ग्लूकोज है इसको ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कर रखते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। जो हमारा, जो हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तो जो ये एनर्जी होती है इस ATP के फॉर्म में हमारे सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं, उसी को यूज करते रहते हैं। सपोज देन कि हमने खाना नहीं खाया, आज हम खाएं और कल हमको कॉलेज जाना है, या हम रात में खाए थे आज हमको पूरा दिन खाना नहीं मिला, कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि हमको पूरे दिन खाना नहीं मिला, या कोई लोग अपनी मम्मी से या किसी से गुस्सा हो गया और घर में खाना नहीं खाए, तो जो ये स्टोर करता है खाना, हमारा लीवर जो खाना स्टोर करता है, हमारी जो सेल्स स्टोर करते हैं खाना अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वही खाना हम दूसरे दिन यूज कर पाएंगे और उससे हमको पता भी नहीं चलेगा, हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और हमारा काम चलता रहेगा। इसलिए स्टोर करता है हमारा लीवर खाने को किस फॉर्म में, ग्लूकोज को। तो ये जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है लीवर। और ग्लाइकोजन इसको फॉर्म में कौन करता है, ग्लूकोज मैंने लिया, ग्लूकोज को चेंज कौन करेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, जो पैनक्रियाटिक हार्मोन होता है, पैनक्रियास से निकलता है, ये हार्मोन का काम होता है। हमारा ये ग्लूकोज रहा,
ग्लूकोज को इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन होता है वो इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये लीवर के पास स्टोर हो जाता है, और जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं तो यही फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी सेल्स यूज कर लेते हैं। तो हम खाना एक दो दिन ना खाएं तो अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी खाना स्टोर रहता है लीवर में। और लीवर के फंक्शंस, लीवर के फंक्शंस होते हैं, एक तो होता है बाइल। बाइल जो इसमें लीवर में, लीवर एक आर्गन है, आर्गन को मैंने पहले बताया, आर्गन की बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं। तो जो इसके पास सेल्स होते हैं हेपेटिक सेल्स होते हैं। हेपेटिक सेल्स का काम होता है पूरा दिन 24 आवर 24 घंटे बाइल को सिक्रीट कराती रहती हैं, ये बनाती हैं और सिक्रीट कराती रहती हैं और गॉलब्लैडर में स्टोर कराती रहती हैं। तो जब ये बाइल का सिक्रीशन करता है, बाइल सिक्रीशन ऑफ बाइल, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, और इसका काम होता है जो हमारी बॉडी में आरबीसी, जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और उनकी 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है। 120 दिन वो सिर्फ जिंदा रहती है, उसके बाद वो मरने के लिए, उनका ब्रेक डाउन होने के लिए या तो वो स्प्लीन में चली जाती है या लीवर में आ जाती है। और ब्रेक डाउन आप इसको लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, और ये आरबीसी को स्टोर भी करता है, तो इसे लिख सकते हैं स्टोरेज ऑफ आरबीसी, स्टोरेज ऑफ आरबीसी। और ये लिम्फ बनाता है, जो हमारा बॉडी में जो लिम्फ, सॉरी लिम्फ नहीं, वो प्लाज्मा, प्लाज्मा को भी बनाता है हमारा लीवर, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है और ये स्टोर करता है बहुत सारे विटामिन्स को। विटामिन्स के नाम है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B12। इतनी सारी विटामिन्स को स्टोर करता है। और इसके काम, जो हमारा बाइल बना, और अभी हम बताएंगे आपको जो हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोन होते हैं उनका क्या मैकेनिज्म है। जो स्टोन होते हैं उनका मैकेनिज्म ये होता है कि वो हमारे जो ब्लड में, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, कैल्शियम लेवल जो हमारे ब्लड में होता है ज्यादा हो गया कैल्शियम, कैल्शियम तो उसे बोन्स में होता है, हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है, कई जगह होता है, लेकिन हमारे जो ब्लड में कैल्शियम होता है और हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल ज्यादा हो गया और उसी टाइम हमने क्या खा लिया, ऑक्जेलिक एसिड खा लिया। ऑक्जेलिक एसिड क्या होते हैं कि हमने कोई टमाटर खा लिया, टमाटर के बीज में सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड होता है और उसके छिलके में सबसे ज्यादा होता है, और उसी दौरान मैंने ऑक्जेलिक एसिड खा लिया और इसका डाइजेशन नहीं होगा, ये ऑक्जेलिक एसिड अंदर गया और उसका डाइजेशन तो होगा नहीं, ये गया ब्लड में जो हमारा कैल्शियम था उससे बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम से बाइंड होकर उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और क्रिस्टल फॉर्म में ये गॉलब्लैडर में क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर होता रहेगा। कई क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टल धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, उसी को हम स्टोन कहते हैं, वही स्टोन का फॉर्मेशन कर देंगे, वही गॉलब्लैडर स्टोन होते हैं। और अगर हमने सही टाइम पे सर्जरी करवा ली तो ठीक है, अगर नहीं करवाई सर्जरी सही टाइम पे या दवाएं नहीं खाई सही टाइम पे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर बोलेगा कि आपका गॉलब्लैडर आपका गॉलब्लैडर स्टोन से भर चुका है, तो आपका गॉलब्लैडर रिमूव कराना पड़ेगा।
अब रिमूव कर दिया सब, देन कि हमारा गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हो गया तो बाइल जूस जो बना था उसका स्टोरेज नहीं होता होगा, और स्टोरेज नहीं होगा तो हमारे जो फैट है, जो हमने घी तेल ऑयल या प्रोटीन कुछ भी खाया, तो उसका इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। जो हमारा बाइल है वो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो हमारी सेल्स को यूज नहीं कर पाएंगी, और वो फैट और प्रोटीन सीधे जाके हमारे ब्लड में हो जाएगी, और ब्लड से हमारे ऑर्गन पे चिपकना शुरू कर देगी, ऑर्गन में चिपकना शुरू कर देगी तो लीवर पे चिपकेगी, लीवर पे क्या होगा कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, तो बीमारी का नाम दिया जाएगा फैटी लीवर। दूसरी बार जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हो गया, हमारे ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ज्यादा फैट हो जाएगा, तो हमें, हम अगर मिठाई खाएंगे, कुछ भी मीठा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो हमें एक बीमारी हो जाएगी, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा और पैनक्रियाटिक हार्मोन नहीं निकलेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो उसको चेंज करके कोई स्टोर करने वाला नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज, डायबिटिक बीमारी हो जाएगी। और डायबिटिक दो टाइप की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक। डायबिटीज जो होती है हमारे बॉडी में बाइल सिक्रीशन अगर नहीं हुआ और फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ, तो फैट बड़े बड़े पार्टिकल में रहती है और उसको सेल यूज नहीं कर पाती है। जो है इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करा के लीवर में स्टोर करा देना। देन जो हमारा लीवर होता है एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, वो काम क्या है, बाइल सिक्रीट करता है। इससे जो हम जो मतलब इसकी इसमें कफर सेल लगी होती है, तो जो हम कोई खाना खाते हैं, बहुत सारे खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस और वायरस चले जाते हैं, या कोई जहरीला पदार्थ चला गया, तो लीवर उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उस जहर को कम कर देना, उसके प्रभाव को हटा देना, इसका ये काम होता। और अगर कोई वायरस बैक्टीरिया फंगस चला गया तो इसमें कफर सेल्स लगी होती हैं, कफर सेल्स फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं, फाइगोसाइटोसिस नेचर की होती है, मैंने आपको अपने इम्यून सिस्टम वाले वीडियो में बताया था। फाइगोसाइटोसिस का मतलब वो फाइगोसाइटिक नेचर की कफर सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में हम खाना जब खाते हैं, खाना खाए और अंदर चला गया तो कोई भी वार्म बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया तो उसको ये मार देती है और उसको खा जाती है हमारी कफर सेल्स। और लीवर, फैटी लीवर एक बीमारी लीवर में हो जाती है, फैटी लीवर मैंने बताया, फैटी लीवर टू टाइप का होता है, एक तो होता है अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। फैटी लीवर एक होता है अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। अब आप कहोगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कैसे हो जाता है, मैंने कोई अल्कोहल नहीं पी, मैंने कोई दारू नहीं पी, तो हमको कैसे फैटी लीवर हो गया, कैसे हमको सिरोसिस हो गया, तो इसके एक वजह होती है मोटा होना, फैट का जमना, और दूसरा बहुत ज्यादा पतला होना। अगर हम बहुत मोटा हो गए, मोटे हो गए तो, और बहुत ज्यादा पतले हो गए तो, क्योंकि अगर ज्यादा मोटे हो जाएंगे हमारी बॉडी में जो फैट जाएगा, जो घी जो वसा हम खाते हैं उसका इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगी। मैंने बताया था कि जो बाइल होता है उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन कराना, बड़े पार्टिकल को या घी में जो वसा होती है उसको ड्रॉपलेट में चेंज कराना। जब कोई मोटा व्यक्ति होता है तो उसमें वो काम नहीं हो पाता है। और जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, पतले लोग अगर कोई बिल्कुल पतला है तो भी इसमें नॉन अल्कोहलिक और फैटी, नॉन अल्कोहलिक में फैटी लीवर हो जाएगा उसको। मींस हमारा अगर लीवर है उसमें कोई कुछ भी नहीं स्टोर है, तो हमारी जो सेल्स होते हैं लीवर की, हिपेटिक सेल्स, वो एकदम से जो उनको अंदर स्टोर खाना है एकदम से रिमूव करा देते हैं। जब एकदम से रिमूव करा देते हैं तो भी लीवर की बीमारी हो जाती है, फैटी लीवर या सिरोसिस कह लेते हैं। और
अगर हमने दारू हम पी रहे थे कभी या हम शराब कभी पी रहे थे और एकदम से पीना छोड़ दिया, तो भी हमारे जो जो हमारे लीवर की सेल्स हैं वो एल्कोहल के जो हमारे एस्टल्डिहाइड होते हैं, जो एसीटोन होते हैं, जो कीटोन बॉडीज होते हैं, उनको स्टोर रखता है। उसके बाद जब हमने पीना छोड़ दिया तो भी एकदम से रिमूव करा देगा, तो भी हमको फैटी लीवर हो जाएगा। अब एल्कोहलिक क्या होता है, हम दारू पी रहे हैं, रोज शराब पी रहे हैं, तो भी हमको फैटी लीवर हो जाएगा। कैसे होगा, जो हमारी एल्कोहल होती है वो होती है इथेनॉल, जो इथेनॉल होती है, और इथेनॉल उसमें व्हाइटनर में होती है, और जो हमारी लड़कियां जो अपनी रिमूव कराती है नेल पेंट थिनर, उसमें भी एल्कोहल होती है। तो इथेनॉल जब हमारी जो कोई भी व्यक्ति एल्कोहल पिएगा तो इथेनॉल अंदर इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। अगर हम शराब पीते हैं तो वो हमको नशा नहीं करती है, वो अंदर जाके एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, एसीटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाती है एसीटोन में, तो जो कीटोन है यही नशा कराता है। तो ये एसीटोन और एसीटल्डिहाइड ये बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर बनते जाएंगे, हम ज्यादा दारू पीते जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में ये बन जाएंगे, तो ये लीवर में जाकर जमते जाएंगे और इससे फैटी लीवर हो जाएगा। और जो एसीटल्डिहाइड है और जो एसीटोन है ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में अगर लीवर में जमते चले जाएंगे तो नैस नाम की बीमारी हो जाती है। नैस का मतलब नैस नाम की इनको बीमारी हो जाएगी। नैस का मतलब होता है नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस। नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बीमारी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो हमारी हेपेटिक सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती हैं। डैमेज होने के बाद वो एक जगह स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे लीवर में जगह स्टोर होना स्टार्ट होती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ट्यूमर। उसके बाद ट्यूमर धीरे धीरे और ज्यादा जब सेल्स स्टोर होती चली जाएंगी, डैमेज सेल स्टोर होती चली जाएंगी, तो हमको धीरे धीरे ट्यूमर के बाद बन जाएगा कैंसर। तो इसी को हम कह देते हैं हमारे लीवर में कैंसर हो गया। तो लीवर कैंसर ये होता है लीवर कैंसर। एंड उसके बाद जब हम नशा करते हैं, जब हम दारू पीते हैं, जब हम शराब पीते हैं, तो यहां तो नैस बना दिया इसने, उसके बाद क्या करेगा, ये सारी बॉडी के सारे ऑर्गन पे जाएगा, इफेक्ट करेगा, देन चला जाएगा सबसे पहले ब्रेन पे। और ब्रेन में अगर गया तो हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम नाम का हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम। उसका काम क्या होता है, ये इसको तो हम पहले बोलते हैं हम लिटिल ब्रेन। इसको हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं, ये हमारा छोटा छोटा दिमाग होता है, वही नाना पार्टिकल वाला लिटिल ब्रेन। तो और इसका लिटिल ब्रेन का काम क्या होता है, इसके काम होते हैं बॉडी बैलेंस कराना। दूसरा काम होता है इसका स्पीकिंग। तीसरा इसका काम होता है मसल्स मूवमेंट। इसके तीन काम होते हैं, एक होता है बॉडी बैलेंस, एक होता है स्पीकिंग और एक होता है मसल मूवमेंट। बॉडी बैलेंस, अगर किसी ने नशा कर लिया, किसी ने शराब पी लिया, तो एसिटाल्डिहाइड में हमारा जो हमारा एल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में डिवाइड चेंज हो जाएगा, उसके बाद एसीटोन में चेंज हो जाएगा, देन चला जाएगा हमारे ब्रेन के पास।
ब्रेन के पास जाने के बाद हमारे सेरिबेलम को, छोटे जो दिमाग छोटा दिमाग होता है, सेरिबेलम को हमारे वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा तो। और इसका काम हमने बता दिया तीन काम, बॉडी बैलेंस, स्पीकिंग और मसल्स मूवमेंट। अब सोचो अगर सेरिबेलम ब्लॉक हो गया तो हमारा बॉडी बैलेंस नहीं बनेगा। हमने बताया पहले ही कि हमारा सेरिबेलम बॉडी बैलेंस बनाता है, तो हमारा बॉडी बैलेंस नहीं होगा। देन स्पीकिंग तो हमारा लैरिंग्स कराता है, वोकल कॉर्ड कराते हैं, लेकिन हमें बोलना क्या है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये सब सेरिबेलम कराता है। तो सेरिबेलम स्पीकिंग काम कराता है। देन मसल्स मूवमेंट, हमको चलना किधर है, कितना चलना है, ये हमारी मसल्स हमारे डिसाइड करते हैं कि हमको कितना चलना है, किधर चलना है, कहाँ जाना है। ये सब काम मसल्स मूवमेंट कराते हैं, स्पीकिंग एंड बॉडी बैलेंस, ये सेरिबेलम काम कराता है। आप सोचो सेरिबेलम ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया तो क्या नहीं होगा, बॉडी बैलेंस, स्पीकिंग एंड मसल्स मूवमेंट। बॉडी बैलेंस, अगर कोई किसी ने शराब पी ली, ज्यादा मात्रा में शराब पी ली, एल्कोहल ज्यादा मात्रा में ले लिया, तो जाके हमारे कुछ समय के लिए हमारे सेरिबेलम को ब्लॉक कर देगा। सेरिबेलम ब्लॉक हो गया तो हमारा बॉडी बैलेंस नहीं होगा। तब आपने देखा होगा कोई अगर ज्यादा एल्कोहल पीता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वो रोड पे इधर झूमता झूमता चलता है, क्योंकि उसका बॉडी बैलेंस ही नहीं हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा, उसका सेरिबेलम काम ही नहीं कर रहा है, तो उधर रोड पे झूमता झूमता चलता है। देन स्पीकिंग, वो कुछ भी बोलता रहता है क्योंकि उसके अंडर में है ही नहीं, क्योंकि सेरिबेलम तो पहले ब्लॉक हो गया, जिसका काम ही था स्पीकिंग कराना, क्या बोलना है उसको पता ही नहीं, कभी कभी तो अपने आप को नरेंद्र मोदी भी बोल देता है। देन और मसल्स मूवमेंट, वो कहीं भी चलता है, आपने देखा होगा कहीं दाएं जा रहा है, कहीं बाएं जा रहा है, कहीं भी उसकी मसल मूवमेंट करते रहते हैं, कभी नाली में गिर जाता है। तो इसलिए आप शराब ना पिए, दारू ना पिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर शराब पिएंगे तो कुछ समय के लिए आपको ये कंडीशन होगी, और मैंने आपको बताया लीवर में ट्यूमर कैंसर हो जाएंगे और आपका लीवर खराब हो जाएगा, धीरे धीरे इंसान की डेथ हो जाएगी। जो मैंने फैटी लीवर बताया था उसके हम दो चार टिप्स बताएंगे कि आप दो चार टिप्स हैं जो करेंगे तो फैटी लीवर कभी नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, जो हम वसा खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, उसके ब्रेकडाउन के लिए, उसके इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल का सिक्रेशन होना जरूरी है। बाइल का सिक्रेट होगा तब वो छोटे पार्टिकल में, ड्रॉपलेट में तोड़ेगा जो हमारी फैट है, तो ड्रॉपलेट तोड़ेगा तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद ये जब हम खाए पिए और बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, आलसी करेंगे, तो भी फैट का जमा हो जाता है बॉडी में, तो भी फैटी लीवर हो जाता है। तो इसके लिए हमको रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए या तो फिजिकल वर्क करना चाहिए, कोई भी फिजिकली काम करनी चाहिए। और एल्कोहल, आपको एल्कोहल नहीं लेना है, अगर एल्कोहल लोगे तो भी यही काम। तो ये दो तीन टिप्स थे, आप एक्सरसाइज करिए, आप फिजिकल वर्क करिए, नशा मत करिए, आपका लीवर फिट रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, लीवर फिट नहीं रहेगा तो पूरी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर इसमें भी कोई चीज अगर आपको डाउट हो तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।